ब्लैक होल हमेशा से इंसानों के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद ब्लैक होल्स भले ही हमेशा से हमें आकर्षित करते रहे हों, लेकिन क्या कभी आपने किसी ब्लैक होल के पास से गुजरने की कल्पना की है? जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या धरती पर इंसानों का अस्तित्व मौजूद रहेगा या पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह, ये है थिंक इफ और आज हम जानेंगे कि अगर पृथ्वी एक ब्लैक होल में चली जाए तो क्या होगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को अक्सर हम फिल्मों के माध्यम से देखते आए हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। इस एरिया का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा होता है कि इसकी रेडिएशन से बचना नामुमकिन है। ऐसे में एक ब्लैक होल पृथ्वी पर क्या असर डाल सकता है, इस बात को समझना मुश्किल नहीं है। ब्लैक होल बेहद घने होते हैं। ये असल में कोई होल नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में इकट्ठा मास होता है। एक ब्लैक होल पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि ब्लैक होल का आकार क्या है। ऐसी स्थिति में दो सिनेरियो हमारे सामने आते हैं। एक क्वाइन के डायमीटर के ब्लैक होल की अगर बात करें तो आकार में छोटा होने के बाद भी इसका मास पृथ्वी के मास के बराबर होगा। हमारे ग्रह की तुलना में इसका ग्रेविटेशनल पुल 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी इस ब्लैक होल में सीधी गिरने के बजाय इसे ऑर्बिट करने लगेगी। इस परिक्रमा के दौरान प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े ब्लैक होल में समाते रहेंगे। खुद को बचाने के लिए पृथ्वी का रोटेशन थोड़ा धीमा जरूर होगा, लेकिन पृथ्वी का बचा हुआ मास हॉट रॉक की एक डिस्क में गिर जाएगा और ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगेगा। अंतरिक्ष से देखने पर ये एक एक्रीशन डिस्क जैसा नजर आएगा, जिसमें पृथ्वी का बचा हुआ डेब्री ब्लैक होल इवेंट होराइजोन पर घूमता हुआ नजर आएगा। पृथ्वी को निगलने के बाद ब्लैक होल का मास डबल हो जाएगा। हैरानी की बात है कि ब्लैक होल पृथ्वी के अस्तित्व को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, लेकिन हमारे चांद के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। केवल फर्क इतना होगा कि ये चांद की ऑर्बिट को एलिप्टिकल कर देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इंसान का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बचा रहेगा, तो बता दें कि आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले आप ब्लैक होल में समा चुके होंगे। सिनेरियो टू में हम एक सिक्के के मास वाले ब्लैक होल के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो पाते हैं कि ब्लैक होल जितना छोटा होता है उतना ही हॉकिंग रेडिएशन छोड़ता है। सिक्के के मास वाला ब्लैक होल का आकार काफी छोटा होगा, ये सूरज की तुलना में एक परमाणु जितना छोटा होगा, लेकिन इतना भयानक होगा कि इससे बचना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये ब्लैक होल कुछ सेकंड्स में ही इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को जन्म देगा। ये विस्फोट पूरी पृथ्वी को अलग नहीं करेगा, लेकिन इसके पास होने वाली सभी वस्तु को प्रभावित करेगा और इससे बचने का इंसानों के पास कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल को देख पाना बेहद ही टेढ़ी खीर है। अगर आज कोई ब्लैक होल पृथ्वी के पास आ जाए तो पृथ्वी की नजदीकी एजेस ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करेंगी। ऐसे में हमारे टुकड़े होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शुक्र है कि हम ब्लैक होल्स से कई लाइट ईयर्स दूर हैं और किसी भी ब्लैक होल से टकराने नहीं जा रहे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।